नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना का 10 दिवसीय पर्व 31 अगस्त से शुरू हो गया। घर घर में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई। ऐसे में विभिन्न आकार प्रकार के कलात्मक मूर्ति बाजार में देखने को मिल रही हैं। भुवनेश्वर के एक कलाकार ने भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक बोतल के अंदर भगवान गणेश की एक पर्यावरण के अनुकूल मूर्ति तैयार की है। खुर्दा जिले के जाटनी गांव में रहने वाले एल ईश्वर राव अपनी रचनात्मकता के लिए लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देने का एक अनूठा तरीका चुना है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार कलाकार ईश्वर राव का कहना है कि इस बार मैंने 350 मिलीलीटर की बोतल का उपयोग करके एक पर्यावरण के अनुकूल गणेश की मूर्ति बनाई। मिट्टी की इस कलाकृति को बनाने में मुझे 7 दिन लगे। एक बोतल में कला बनाना चुनौतीपूर्ण है। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाया जाएगा और 10 दिन तक गणपति की उपासना की जाएगी। ये पर्व गणेशोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह शुभ 10 दिवसीय पर्व चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और अंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है। ज्ञान और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के भक्त भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के दिन उनका जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी के दिन लोग भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। लोग उपवास रखते हैं। घर घर में मोदक और गणपति की पसंद व अन्य पकवान तैयार करते हैं और लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस त्यौहार को लोग अनुष्ठान की तरह मनाते हैं क्योंकि यह भगवान गणेश की चतुर्थी है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर आप भी अपना कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है, और आपने गणेश चतुर्थी कैसे मनाई वो भी हमें अपने कमेंट्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।